हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर 2021 एंड 2022 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो पेपर है वह पैथोफिजियोलॉजी का है। बाकी सारे जो भी पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तीनों सेक्शन को मैंने कम्प्लीट सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है। आज का लेक्चर का जो पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। वह पीडीएफ आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड जो है वह इसी वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने आपको पासवर्ड 6 डिजिट में दिया हुआ है, तो आपको इस वीडियो में 6 डिजिट मिल जाएगा। जैसे कि आपको 1 डिजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको कलेक्ट करना है और उसी पासवर्ड को यूज करना है। तो आपको जो टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ अपलोड किया है जिप फाइल में, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग तीनों सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह पूछा गया है डिफाइन द टर्म सेल इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे सेल इंजरी से काफी बार क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आपको 2 नंबर में सेल इंजरी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल इंजरी का जो डिफिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अबाउट रीपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे रीपरफ्यूजन इंजरी के बारे में लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पासवर्ड मुझे मिला नहीं, पीडीएफ को एक्सेस कैसे करूं मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है इलुस्ट्रेट दी केमोटॉक्सिक। यहाँ पे काफी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, केमोटॉक्सिक, सेल इंजरी, परफ्यूजन इंजरी, ठीक है। तो इस सबको आपको छोटा है तो छोटा ही आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा लिख देना है। सेल इंजरी का 10 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में लिखना है, यानी सबका टाइप लिखना है, ठीक है। और उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, जिससे टीचर को यह पता लग जाए कि जो भी वेरियस टाइप है उसके बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉल दी कॉज ऑफ थैलेसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉज बताना है थैलेसीमिया का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है इंटरप्रेट वेरियस टाइप ऑफ एंजाइना, ठीक है। इसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ एंजाइना के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। इसमें भी आपको वेरियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस ही पूछा गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में सबको यहाँ पे टाइप ही पूछा गया है, ठीक है। तो सबका टाइप आपको याद रखना है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में टाइप बहुत मैटर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट द मीनिंग ऑफ टॉफी एंड गोन्स फोकस। तो यहाँ पे आपको टॉफी और यहाँ पे गोन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाइज वेरियस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप बताना है मेनिंजाइटिस, जो कि आपको यहाँ पे वेरियस टाइप देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिफाई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिम्फाइलिस एंड गोनेरिया। यहाँ पे आपको सिम्फाइलिस एंड गोनेरिया का वेरियस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। गोनेरिया और सिम्फाइलिस का यहाँ पे सेपरेटली आपको लिखना है। इस तरह से हमारा सेक्शन ए कम्प्लीट होता है और सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन करके जाए। पहला क्वेश्चन है डेमोस्ट्रेट दी मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मैकेनिज्म, ठीक है। एंड वेरियस मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको मीडिएटर भी बताना है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मीडिएटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीडिएटर देखने को मिल जाएगा, जो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो मीडिएटर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म और मीडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इवेलुएट द पैथोजेनेसिस एंड सिम्पटम ऑफ लेप्रोसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैथोजेनेसिस एंड सिम्पटम किसके बारे में, लेप्रोसी के बारे में। तो यहाँ पे सिम्पटम और पैथोजेनेसिस दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेप्रोसिस देखने को मिल जाएगा, लेप्रोसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिम्पटम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो आपको पैथोजेनेसिस भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट द इटियोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको इटियोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। और पैथोजेनेसिस एंड सिम्पटम ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई और क्वेश्चन करके नहीं है, तो आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कर दिए बाकी छोड़ दिए, तो ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
तो आपको तीनों क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इटियोलॉजी के बारे में लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे काफी डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें था आपको पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पैथोजेनेसिस है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है, ठीक है। और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं सेक्शन बी का, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग सेक्शन सी के। पहला क्वेश्चन है वह है डिस्कस इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे बताना है एपोप्टोसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म बताना है एपोप्टोसिस के बारे में। यहाँ पे आपको एक्सट्रेंसिक पाथवे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको इंट्रेंसिक पाथवे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट द रोल ऑफ रास, इसमें आपको रास मैकेनिज्म का रोल है वो बताना है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन में आपको रास का जो मैकेनिज्म है वो जो रोल है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको हाइपरटेंशन के बारे में लिखना होगा, उसके बाद से आपको हाइपरटेंशन का यहाँ पे रोल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैथोजेनेसिस लिखना है। देखिए सारे क्वेश्चन का, सारे जो डिजीज है उसमें जो डिजीज है उसका पैथोजेनेसिस आपको आना चाहिए, क्योंकि को सब्जेक्ट ही है पैथोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस आपको आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं पैथोजेनेसिस में क्या कुछ लिखना होता है वो आपको यहाँ पे लिखना नेक्स्ट है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म IBD, ठीक है। इसमें आपको इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज के बारे में आपको लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ अल्सराइट क्लाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले IBD के बारे में लिखना है, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स इसके बारे में बताना है, ठीक है, वो भी पैथोफिजियोलॉजी बताना है, ठीक है, यानी पैथोजेनेसिस आपको लिखना है। यहाँ पे आपको पैथोफिजियोलॉजी मिल जाएगा अल्सराइटिव कोलाइटिस का, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोन्स डिजीज का भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डेमोस्ट्रेट दी पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर का पैथोजेनेसिस लिखना है, यानी पैथोफिजियोलॉजी आपको कैंसर का लिखना है, ठीक है। तो सारे जो डिजीज बड़े बड़े हैं उसका पैथोफिजियोलॉजी तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही पैथोफिजियोलॉजी है। डिस्कस अबाउट बिनिंग्स एंड मेलिग्नेंट न्यूप्लाजिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दो टाइप का कैंसर होता है उसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी हम लोग यहाँ पे देख लें, और पैथोफिजियोलॉजी के बाद यहाँ पे आपको जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर होते हैं दो टाइप के, वहां पर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश किया गया। क्वेश्चन है अप्राइज द इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम ऑफ इटियोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट डाल दिया जाता है क्वेश्चन में, जिससे बच्चा को कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट इटियोलॉजी लिखिए, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी लिखिए और सिम्टम लिखिए ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। इसे फर्क नहीं पड़ता क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिम्टम मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इटियोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो था वो था पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है डिफाइन द कॉज एंड सिम्टम, ठीक है। यहाँ पे कॉज एंड सिम्टम एंड पैथोजेनेसिस, ठीक है, एड्स और UTIs, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में आपको पैथोजेनेसिस सिम्टम और कॉज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉज मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पैथोजेनेसिस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको UTI के बारे में सिम्टम लिखना है, ठीक है। इसके बाद से आपको कॉज लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, और इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अब तक पासवर्ड मिल गया होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।